सरकारी अस्पताल उमरिया में भर्ती मरीज की सर्जरी के लिए रक्तदान कर कलेक्टर उमरिया ने दरियादिली दिखाई है। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने गरीब महिला मरीज को रक्तदान किया और मानवता की मिसाल पेश की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भीषण गर्मी के वक्त कुपोषित बच्चों के लिए खुद के कार्यालय से 4 AC निकालकर NRC में डोनेट करने के बाद चर्चाओं में रहे कलेक्टर उमरिया स्वरोचिष सोमवंशी ने एक बार फिर अनूठी मिसाल पेश की है। सरकारी अस्पताल उमरिया में भर्ती मरीज की सर्जरी के लिए रक्तदान कर कलेक्टर उमरिया ने दरियादिली दिखाई है। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी जिला चिकित्सालय उमरिया का औचक भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान चंदिया से आए सजनी नामक युवक ने कलेक्टर से मिलकर बीमार परिजन को सर्जरी के लिए खून की व्यवस्था कराने की फरियाद की। कलेक्टर ने पूछा कि रक्तदान के लिए परिजन है क्या। इस दौरान युवक ने बताया कि सर्जरी के लिए 4 यूनिट की जरूरत है, 2 यूनिट परिजन दे चुके हैं, 2 यूनिट और खून की जरूरत है। ब्लड बैंक में एक्सचेंज में खून देने का प्रावधान है। इस पर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी खुद ही रक्तदान करने के लिए जिला अस्पताल उमरिया के ब्लड बैंक में पहुंच गए। कलेक्टर के पास हम गए थे खून मांगने के लिए, तो खून दिया है हमको। कौन दिया है? कलेक्टर ने दिया। दिनांक 17 तारीख को एक चंदिया महुआ टोला से सजनी सिंह नाम का गुण एक महिला डिलीवरी के लिए आई हुई थी, जिसकी डिलीवरी 108 एम्बुलेंस में ही हो चुकी थी। और जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तो उसका हम लोगों ने खून जांच की, तो ब्लड टेस्ट के उपरांत उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, लगभग 3 ग्राम के आसपास था। इसके लिए तुरंत हमने ब्लड बैंक स्टॉक से 1 यूनिट ओ पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था की थी। इसके बाद आज सुबह कलेक्टर महोदय अस्पताल के निरीक्षण में आए हुए थे, तो उस महिला के परिजन ब्लड की व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन किए, जिसके उपरांत कलेक्टर साहब ने स्वयं ब्लड बैंक आकर अपना रक्तदान किया और उस महिला के लिए अपना रक्त दिया। उस महिला का हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, अभी भी उसको रक्त की काफ़ी ज़रूरत है और लगभग 1 से 2 यूनिट उसको ब्लड अभी और लगेगा, जिसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। इसके पहले भी कलेक्टर महोदय उमरिया ने प्रत्येक विभाग में एक रोस्टर बनाया हुआ है, जिसके तहत प्रत्येक विभाग के लोग एक निश्चित दिन में आकर यहाँ पर रक्तदान करते हैं। और कई बार भी कलेक्टर साहब ने पहले भी अपील की है जनता से कि अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पर रक्तदान करें। कलेक्टर सोमवंशी ने कहा कि मानव जीवन तभी सार्थक है जब वह एक दूसरे के लिए, खासकर पीड़ित मानव के लिए काम आ सके। कलेक्टर के रक्तदान के बाद भी एक और यूनिट खून की जरूरत थी, जिस पर कलेक्टर ने अन्य संगठनों को बुलाकर रक्तदान कराया। कलेक्टर के इस पहल ने रक्तदान की दिशा में अनूठी मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उमरिया।